नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुप्रीम इंडिया यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। वर्तमान समय की ऑल टाइप ट्रेंडिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और हमारा वीडियो आप पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। आप सभी को 2020 नया साल की आंतरिक शुभेच्छा और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, नया साल तो आ ही गया, आप अच्छे से नए साल की स्वागत भी करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं उत्सव की इस शुभ मुहूर्त पर आपको आपके अपनों से सौगात मिला हो या ना हो, देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश को 5 तोहफा मिल ही गया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी तथा एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुल 352 सीटें लेकर सरकार में आई। विशाल जनमत लेकर मोदी सरकार 2.0 शुरू करने के बाद ये 5 तोहफा देश को देना ही था। इसमें मोदी जी जितना अपने चाहने वालों की दिलों में है उतना विपक्ष के निशाने पर भी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश को ये 5 महत्वपूर्ण तोहफा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दोस्तों, आप हम जान लेते हैं ये 5 तोहफा क्या है। पहला तोहफा अनुच्छेद 370। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया, जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्से में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में पूरा कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। मोदी सरकार की इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश एक निशान और एक विधान लागू हो गया। दूसरी तोहफा 3 तलाक। नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। उस तरह से 1 अगस्त से 3 तलाक देना कानूनन जुर्म बनाया गया। राज्यसभा में बहुमत ना होने के बाद भी मोदी सरकार इस कानून को कानूनी जमा पहनाने में कामयाब रहा। सरकार के पहले कार्यकाल से ही ये मुद्दा बीजेपी की प्रमुख एजेंडा थी। तीसरी तोहफा राम मंदिर। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम की विवादित जन्मभूमि को लेकर सदियों पुराना जो आंदोलन चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से शामिल थी। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसा प्रभावशाली नेता राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रियता के साथ शामिल थे। लोकसभा चुनाव की हार संकल्प पत्र में भाजपा की ये संकल्प रहता था, लेकिन कानूनी कारण से अयोध्या की राम जन्मभूमि को लेकर कोई सिद्धांत नहीं हो पाता था। मोदी सरकार 2.0 में सुप्रीम कोर्ट से ये ऐतिहासिक राय भी आ गया और पुरातात्विक तथ्य के आधार पर अयोध्या की विवादित जमीन रामलला विराजमान को मिल गया और मुस्लिम भाइयों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने के लिए सरकार को बोला गया। लेकिन देखने के बाद यह है, भारत की इस ऐतिहासिक राय की बात भी कहीं पे भी कोई हिंसा की घटना नहीं हुई। सारा देश में भाईचारा कायम रहा, जो विश्व में भारत की गरिमा कई गुना बढ़ा दिया। तोहफा नंबर 4, CAA कानून। मोदी सरकार की 2.0 में और एक बड़ा कानून बना, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में निपीड़ित अल्पसंख्यकों को फिर से जीने का सांस दे दिया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधनी कानून 2019 के तहत 2014 का 31 दिसंबर से पहले भारत में आए हुए उस देश की अल्पसंख्यकों तथा हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध ये 6 धर्म की शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम किया। इस कानून निपीड़ित धर्मीय शरणार्थी के लिए संजीवनी तो है, लेकिन मुस्लिम की नाम इस कानून में नहीं होने की वजह से देश में काफ़ी विरोध हुआ और हिंसा भी हुई। लेकिन सरकार का कहना यह है कि इस कानून भारतीयों के लिए नहीं है, आए हुए धर्मीय शरणार्थी के लिए है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये 3 देश मुस्लिम देश है। मुस्लिम देशों में कैसे मुस्लिमों के ऊपर धर्मीय अत्याचार होगा। बाद में ये कानून सरकार लागू भी कर दिया।
तोहफा नंबर 5 यूएपीए कानून संशोधन। नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि संशोधन विधेयक 2019 को संसद से कानूनी जामा पहनाया। नया यूएपीए कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है। हाल ही में यूएपीए कानून के तहत मोदी सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मासूद अजहर और जाकिर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया। नया कानून एनआईए को आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार देता है। दोस्तों, 2020 आने से पहले ही मोदी सरकार ने घोड़े की रफ्तार में देश को ये 5 तोहफा दे दिया। इस 5 काम के अलावा भी फिट इंडिया, सरकारी बैंक के विलय, हर घर में नल, हर नल में जल जैसा बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये देश नहीं मिटने दूंगा का जो नारा दिया था उसे हर हाल में पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करना, और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना। न्यू ईयर की इस शुभ मुहूर्त कर आपको फिर से हार्दिक अभिनंदन। सदा सुस्त रहे, असंख्य धन्यवाद।